गाइस कैसे हैं आप सब। तो आज हम आए हैं मदीना यखनी पुलाव और खाने, यहाँ पे स्पेशल कढ़ाही। यहाँ पे आपको हर किस्म की बिरयानी वगैरह भी मिल जाएगी। तो हमने कर दिया है अपने लिए पुलाव ऑर्डर। ये शादमान में शॉप है, आप लोग भी ज़रूर आइएगा, ट्राई कीजिएगा, और इनकी कराची बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वो बहुत मज़े की और स्पाइसी है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, ऑर्डर हमने दे दिया है और आतिफ को मुझसे ज़्यादा भूख लगी हुई, हालाँकि वो नाश्ता करके लेट नाश्ता करके आए हैं। तो अब हम कर रहे हैं वेट कि हमारी बिरयानी, बस हमारे पुलाव जल्दी से आ जाए, फिर हम खाएंगे और आपको बताएंगे इसका टेस्ट। टाइम पास करने के लिए हम खेल रहे हैं थंब रेसलिंग, जिसमें मेरे शोहर जीत जाएंगे, जाहिर है मर्द है, मर्द का हाथ भारी होता है। तो गाइस हमारा खाना आ गया है, तो अब हम टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। तो सबसे पहले खाएंगे मेरे शोहर, क्योंकि बेचारे ने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो वो खा रहे हैं, उनको तो बहुत पसंद आ रहा है। लेकिन मैं आपको सच बताऊंगी टेस्ट करके कि इसका टेस्ट कुछ इतना ख़ास नहीं था, लेकिन जो इनकी बिरयानी, कराची बिरयानी और कढ़ाही का टेस्ट है ना, वो इतना मज़े का स्पाइसी कि मैं आपको बोलूंगी कि ज़रूर आएँ और खाएँ शादमान में, अलमदीना शॉप पे ज़रूर आएँ और आप इनकी बिरयानी को ज़रूर टेस्ट करें और बाकी भी इनकी जो डिशेज़ हैं उनको ज़रूर टेस्ट करें। पुलाव भी अच्छा है, लेकिन शायद मुझे स्पाइसी खाना पसंद है तो इसलिए मुझे इसका इतना मज़ा नहीं आया, पर क्योंकि भूख लगी थी तो खा लिया मैंने फिर भी। तो अब जो आतिफ जो हैं वो बिल पे कर रहे हैं, इसके बाद हम जाएंगे सवेरा स्टोर पे, क्योंकि हमने घर की कुछ चीज़ें लेनी हैं। तो अभी मैं देख रही हूँ कि साहब मेरे अपना जो बिल पे कर रहे हैं, तो मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी से निकले, क्योंकि गर्मी भी बहुत लग रही थी और मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई हूँ सुबह से, बिज़ी बिज़ी बिज़ी। तो अब हम बाहर आ गए हैं बिल पे करके, तो जाएंगे अब हम अपने सवेरा स्टोर और उसके बाद घर। गाइस अभी हम घर आ गए हैं, हम गुस्सा अच्छे थे कि इतने स्टोर में वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। तो घर आ के नहाई हूँ, फ्रेश हुई हूँ और चर्च के लिए रेडी हो गई हूँ, क्योंकि आज ट्यूसडे है तो अभी भी चर्च होता है, बाकी सब चलेंगे। मैं मास्टर लाडो का वेट कर रही हूँ, तो मैंने आपसे बोला था कि मास्टर लाडो से मिलवाऊँगी, तो आज मैं उनसे आपको मिलवाऊँगी, वो आएँगे फिर मैं उनके साथ चर्च जाऊँगी। तो अभी मैं उनका वेट करी कि जैसे वो आएँ तो फिर उनको पानी वगैरह पिला के अपने साथ चर्च लेके जाऊँ। तो मिलते हैं फिर बाद में, तब तक के लिए बाय। तो गाइस मासा लाडो आ गई हैं और ये बहुत लेट आई हैं, आधा चर्च गुजर गया है। तो मिले ये मासा लाडो हैं, हेलो, ये तो प्लीज छोटा शहजादा शाहरुख का है, ये मामू शरून है और ये लेडी नईम लेडी है। तो अब हम चर्च से ऑलरेडी लेट है, लेकिन चले अब हम हाफ चर्च अटेंड करेंगे। जी जी, तो हम चर्च करेंगे, चर्च मिलते हैं चर्च के बाद, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। चर्च खत्म हो गया और चर्च से हम वापस आ गए और मैंने कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि मुझे ब्लैक कपड़ों में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि सब भाई गपशप लगा रहे हैं और मैं बनाऊँगी खाना। ये चिड़िया पंख लाती लाती जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ मेरे पीछे आ रही है। तो अब मैं आ गई हूँ अपने महल में, ये है मेरा महल जिसकी मैं क्वीन हूँ। तो अब मैं बनाऊँगी मेहमानों के लिए खाना, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। गाइस चिड़िया को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो अभी मेरे पास उसको देने के लिए दाना तो नहीं था, तो मैंने कहा चिड़िया तुम ये मैगी खा के गुजारा कर दो। गाइस अंकल लाइन में कुछ सिंगर आ गए और वो स्टिक के साथ ही म्यूजिक बजाएगा। ये भी कुछ कहना चाहते हैं, इनकी सुने माइक में बोले, बड़ा अच्छा इग्नोर, बहुत अच्छा इग्नोर मारा आतिफ ने। क्या बेइज्जती, चुप कर क्यों बाजी। ओम ओम दो गाइस, रौनक ने ये नया खेल सीखा, हर टाइम वो ये मोटर बाइक चलाती रहती है। तो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।